हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, खुशहाल हैं, मज़े में हैं। तो मैं आज का मेरा ये टॉपिक है कि बहुत सारे लोग ये पूछे कि भाई यूक्रेन आने का क्या तरीका है, यहाँ पे आने के बाद क्या क्या कुछ काम लग सकता है, क्या कुछ काम हो सकता है, क्या कोई जॉब पर्पज़ के लिए आ सकते हैं क्या यूक्रेन में। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी बंदा इंडिया से यूक्रेन आना चाहता है, सस्ते में आना चाहता है, तो पहली बात तो वो है कि अपना किसी स्टूडेंट स्टडी पर्पज़ के लिए वो आ सकता है यहाँ पे, पहली बात। उसके अलावा अगर वो यहाँ पे आना चाहता है तो वो किसी भी कोर्स के बेसिस पे आ सकता है, स्टडी पर्पज़ के लिए तो बेस्ट है। लैंग्वेज कोर्स यहाँ पे सबसे सस्ता पड़ेगा आपको अगर यहाँ पे किसी को आना है तो। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे अगर आपको वर्क वीज़ा पे भी आप यहाँ पे आ सकते हो ईजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा पे भी यहाँ पे आप आ सकते हो। वैसे तो यूक्रेन ने इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा कर दिया था, पर बाकी अभी नहीं है अवेलेबल, कैंसिल हो गया। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे आने के बाद जो है कि बहुत सारे कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो, एज ए टैक्सी ड्राइवर काम कर सकते हो, ठीक है, और लॉजिस्टिक कंपनी में काम कर सकते हो आप यहाँ पे सिविल जो काम होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हो। जो बंदे यहाँ पे काम करने के लिए आना चाहते हैं या फिर जो बंदे स्टडी पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं। बस ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, मैं आपको दोनों वीडियोस जो है ब्रीफ में बनाने वाला हूँ जल्दी ही, तो नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करना। मैं यहाँ पे आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो बंदे यहाँ पे वर्क पर्पज़ के लिए भी आना चाहते हैं उनके लिए भी मैं आपको सारी उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे बंदे ये भी सोचते हैं इंडिया से यहाँ पे आने का पर्पज़ ये होता है कि यहाँ से जो है वो शेंगेन में बनना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, शेंगेन कंट्रीज़ में काम करना चाहते हैं, शेंगेन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना चाहते हैं। तो उन लोग के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग जो है यूक्रेन पहले आ सकते हैं, फिर अपने वो रहें यहाँ पे अच्छे से जॉब वगैरह करें, टैक्सी में काम वगैरह करें, उसके बाद जो कि अपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद वो जो है ईजिली यहाँ से आगे शनिगन में जा सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, फुल टाइम जॉब काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, कोई अपनी टैक्सी चला लेता है यहाँ पे। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि अगर ये आप टैक्सी में पर डे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप $50 आपकी इनकम कमा सकते हो। आप एवरेज मान के बता रहा हूँ मैं आपको, $50 यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग आपके 3,000-3,500 रुपये हो गए। तो वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का। मैं अभी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में आपको जो है तो एक तो वर्क के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए एक आपको अगला वीडियो बना के जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बना के भेजने की कोशिश करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।